Why did the British move their capital from Calcutta to Delhi? Welcome to Study IQ. मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों आज की कहानी दिल्ली शहर के नाम। दिल्ली यानी हमारे देश की राजधानी। यमुना नदी के तट पर स्थित ये शहर प्राचीन काल से ही न जाने कितने एम्पायर्स की राजधानी रही। दर्जनों साम्राज्य यहां फले फूले और बिखर गए, लेकिन दिल्ली शहर रहा और बढ़ता गया। 12th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच दिल्ली की बाउंड्री के अंदर 7 कैपिटल सिटीज का एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान से लेकर सल्तनत पीरियड तक और मुगल पीरियड से ब्रिटिश रूल तक दिल्ली इंडियन हिस्ट्री का मेजर पॉलिटिकल सेंटर रहा और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यानी इंडिया की कैपिटल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली का राजधानी बने रहना एक कंटिन्यूअस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो नहीं करता, यानी कि दिल्ली हमेशा और हर वक्त एम्पायर्स की राजधानी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, मुगल शासक शाहजहां के दौर में मुगल्स की राजधानी आगरा हुआ करती थी, जिसे उन्होंने 1648 में शिफ्ट किया और मुगल्स दिल्ली आ गए। ऐसे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए अपनी राजधानी को दिल्ली से डेक्कन के दौलताबाद में शिफ्ट किया था। यानी कि कैपिटल सिटी क्या होगी, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं था। हर शासक अपनी कन्वीनियंस, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स और प्रायोरिटीज के हिसाब से अपनी राजधानियों को बदलता रहता था, और ऐसा ही कुछ दिल्ली के साथ भी हुआ। अगर हम मॉडर्न इंडियन कैपिटल न्यू दिल्ली की बात करें तो उसके रूट्स ब्रिटिश राज में दिखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस मॉडर्न फॉर्म में आज हम राजधानी दिल्ली को देखते हैं, उसकी शुरुआत असल में 1911 में हुई थी, यानी कि इंडिया में ईस्ट इंडिया के आगमन के लगभग 300 साल बाद। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के पहले ब्रिटिशर्स की कैपिटल कैलकटा हुआ करती थी, जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। 1772 से 1911 तक कैलकटा ही ब्रिटिश राज का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर रहा, जिसके बाद 12th सेंचुरी 1911 को हिस्टोरिक दिल्ली दरबार में ब्रिटिश एम्पायर के एम्परर जॉर्ज द फिफ्थ ने कैपिटल को कैलकटा से दिल्ली शिफ्ट किया। पर इस पूरे प्रोसेस के पीछे क्या कहानी है और आखिर क्यों ब्रिटिशर्स कैलकटा से दिल्ली आए? आज की इस कहानी में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर क्यों ब्रिटिशर्स ने अपनी कैपिटल को कैलकटा से दिल्ली शिफ्ट किया, और बाद में जानेंगे कि किस तरह दिल्ली को आज का मॉडर्न अवतार मिला। चलिए शुरू करते हैं ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, और सबसे पहले समझते हैं कि दिल्ली के पहले कैलकटा को कैपिटल क्यों चुना गया। हाउ डिड कैलकटा बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? दोस्तों, कैपिटल के रूप में कैलकटा की हिस्ट्री को समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं 17th सेंचुरी में। बात है 1698 की, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट जॉब चानॉक ने मुगल्स के साथ नेगोशिएशंस करके गंगा नदी के छोर पर 3 गांवों की जमींदारी प्राप्त की। हुगली रिवर के तट पर ये गांव थे सुतनुती, गोविंदपुर और कालीकाता। यहां पर इंग्लिश ने एक ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप किया। 1700 में इसे फोर्टिफाई किया गया और इसको नाम दिया गया फोर्ट विलियम्स। ब्रिटिश के आने से पहले कैलकटा सिर्फ एक छोटा सा गांव ही था और बंगाल की कैपिटल थी मुर्शिदाबाद। अब आता है ईयर 1756, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इस फोर्ट पर अटैक कर उसे कैप्चर कर लिया। इस अटैक का कारण था ब्रिटिश द्वारा ट्रेड प्रिविलेजेस का मिसयूज, जिसके चलते स्टेट को रेवेन्यू लॉस हो रहा था। इसके बाद 1757 में हुई बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला को डिफीट किया और सिटी को फिर से कैप्चर कर लिया, और यहां से कोलकाता ब्रिटिश का स्ट्रांगहोल्ड बना। और फिर आता है ईयर 1772, जब इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कैलकटा में सभी इंपॉर्टेंट ऑफिसेस जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस, सुप्रीम रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा को मुर्शिदाबाद से कैलकटा मूव किया, और इसी के बाद से कैलकटा ब्रिटिश एम्पायर की सीट यानी कैपिटल बना। इसके बाद आने वाले समय में कैलकटा एक बिजी और फ्लरिशिंग टाउन बना। यही नहीं, ये शहर आगे चलकर पूरे इंडिया के कल्चरल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स का भी सेंटर बना। खैर, इस हिस्टोरिकल ट्रेजेक्ट्री के बियॉन्ड अगर हम ये समझें कि आखिर क्यों ब्रिटिशर्स ने कैलकटा को ही अपनी कैपिटल बनाया, तो इसका मेन कारण ये है कि उस दौर में बंगाल भारत के सबसे अमीर क्षेत्रों में हुआ करता था। गंगा डेल्टा के पास अपनी लोकेशन के चलते बंगाल और आसपास के इलाके काफी ज्यादा फर्टाइल थे,
साथ में बे ऑफ बंगाल के माउथ पर स्थित ये रीजन ब्रिटिशर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर भी था, जहां से वो अपना इंटरनेशनल ट्रेड आसानी से कर सकते थे। इसके अलावा अपनी इकोनॉमिक वैल्यू के चलते बंगाल ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल एम्बिशन का सूत्रधार भी बन सकता था, जहां पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल उन्हें इंडिया को कॉलोनाइज करने में मददगार साबित हो सकता था। ऐसा हुआ भी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बंगाल में जो कुछ कमाया उसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी वॉर्स को फंड करने के लिए किया, और यही वजह है कि कलकत्ता इनिशियली ब्रिटिशर्स की राजधानी बनी। तो दोस्तों, अभी तक हमने कलकत्ता के बारे में जाना, अब चलते हैं दिल्ली की ओर और समझते हैं मॉडर्न दिल्ली के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मॉडर्न दिल्ली। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 1803 में, जब ब्रिटिशर्स बंगाल को जीतने के बाद पूरे इंडिया में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अलग अलग वॉर्स लड़ रहे थे। वेस्टर्न इंडिया में भी ऐसा ही एक वॉर चल रहा था माइटी मराठास के साथ। ब्रिटिशर्स ने सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में माइटी मराठास को डिफीट किया। तब मराठा एम्पायर डेक्कन ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया तक फैला हुआ था, और इसलिए उसका इन्फ्लुएंस नॉर्थ इंडिया में भी काफी था। दिल्ली तब मराठास के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता था, भले ही वो ऑफिशियली मुगल क्राउन के अंडर में था। इसलिए डिफीट के बाद पहली बार ब्रिटिशर्स ने दिल्ली में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को बैठा दिया, ताकि ब्रिटिशर्स मराठास और बाकी के रीजनल सरदारों पर नजर रख सकें। इस रेजिडेंट ऑफिसर को मुगल क्राउन का एक तरह से प्रोटेक्टर अनाउंस किया गया। एक्चुअल में इस रेजिडेंट का काम था वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से संभालना जिससे ब्रिटिशर्स का दबदबा पूरे रीजन में बना रहे। अब मुगल रूल सिर्फ एक नाम मात्र का रूल रह गया था, वास्तव में उनके पास कोई भी पावर नहीं थी। समय बीतता गया और फाइनली 1858 में मुगल रूल पूरी तरह से डिसॉल्व यानी खत्म हो गया। दोस्तों, मुगल एम्पायर के इस डिमाइज का इमीडिएट कारण था 1857 में हुआ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे हम सिपॉय म्यूटनी के नाम से भी जानते हैं। ओवरऑल देखें तो 1858 से दिल्ली पूरी तरह से ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया था। यहां तक दोस्तों हमने देखा कि ब्रिटिश इंडिया की पहली कैपिटल कलकत्ता क्यों थी, और फिर हमने देखा कि किस तरह दिल्ली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आई। अब हम देखेंगे कि आखिर ब्रिटिशर्स ने कैपिटल को शिफ्ट कैसे और क्यों किया। दिल्ली दरबार एंड दी अनाउंसमेंट। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश एम्पायर के एम्परर जॉर्ज द फिफ्थ ने दिल्ली दरबार में कैपिटल को शिफ्ट करने का अनाउंसमेंट किया। आपको बता दें कि इसके पहले भी दो बार इस दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा चुका था। पहला था 1877 में, जो उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड लिटन की मेजबानी में हुआ। इसका आयोजन क्वीन विक्टोरिया को इंडिया की एम्प्रेस अनाउंस करने के लिए किया गया था। दूसरा दरबार हुआ 1903 में, जिसको लॉर्ड कर्जन ने ऑर्गेनाइज किया था, जो उस समय के वाइसरॉय थे। इसका आयोजन किंग एडवर्ड द सेवेंथ के कॉरोनेशन यानी राज्याभिषेक के लिए किया गया था। इसके बाद तीसरा दिल्ली दरबार हुआ 1911 में। इन सभी दरबार्स को बुराड़ी रोड में स्थित कॉरोनेशन पार्क में ऑर्गेनाइज किया गया था। यहां एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है कि आखिर कलकत्ता की कैपिटल होते हुए भी इन दरबार्स को दिल्ली में क्यों ऑर्गेनाइज किया गया। जरा सोचिए, ऐसा शायद इसलिए क्योंकि यही वो सिटी थी जहां पहले के बड़े बड़े एम्पायर्स की रॉयल सेरेमनीज को ऑर्गेनाइज किया जाता था। यानी दिल्ली अपने इतिहास के चलते देश में एक सिंबॉलिक वैल्यू भी रखता था। दोस्तों, तीसरे दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज द फिफ्थ ने ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का अनाउंसमेंट किया। 1900 की शुरुआत में ही ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्रपोजल यानी प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव में दिल्ली को कैपिटल बनाने की मांग की गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। आइए अब जानते हैं कि इस शिफ्टिंग के कारण क्या थे, रीजंस फॉर शिफ्टिंग कैपिटल। दोस्तों, ब्रिटिशर्स द्वारा कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने के पीछे दो मुख्य कारण थे। पहला कारण था बंगाल पार्टीशन के कारण शुरू हुआ क्राइसिस। जी हां, 20th सेंचुरी की शुरुआत में कलकत्ता इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेंटर बन चुका था। इस मूवमेंट को कमजोर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1903 में बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड करने का प्लान पब्लिश किया। लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पर रीजन को डिवाइड करके वो हिंदू मुस्लिम्स और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज के बीच फूट पैदा करना चाहते थे, ताकि बंगाल में जोर पकड़ रहे नेशनल मूवमेंट की यूनिटी भंग हो जाए।
इस प्लान के पब्लिश होते ही बड़े स्तर पर पॉलिटिकल और रिलीजियस प्रोटेस्ट्स होने लगे। इसके अलावा एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स के चलते ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट भी होने लगा। ऐसे में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा था और इसी कारण कैपिटल को शिफ्ट करने का प्लान पास किया गया। दोस्तों, दूसरा कारण था 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इस एक्ट में सेंटर और प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की साइज को बढ़ाया गया। इसके साथ ही इस एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इलेक्टेड मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया, यानी अब काउंसिल्स का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा था। इन काउंसिल्स को एफिशिएंट तरीके से गवर्न और कोऑर्डिनेट करने के लिए ब्रिटिशर्स को एक सेंट्रली लोकेटेड कैपिटल की जरूरत थी और दिल्ली इसके लिए सबसे सूटेबल थी, क्योंकि वो ईस्टर्न कॉर्नर में स्थित कैलकाटा के मुकाबले सेंट्रली लोकेटेड थी। तो ये थे दो मेन रीजंस जिनके कारण दिल्ली को कैपिटल बनाया गया। इनके अलावा कुछ और रीजंस भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि ये कि दिल्ली इसके पहले भी कई एम्पायर्स का पॉलिटिकल सेंटर था और इसीलिए दिल्ली की अपनी सिंबॉलिक वैल्यू थी। इंडियन मासेस ने काफी समय तक दिल्ली से राज करने वाले शासकों को ही अपना असली शासक माना था और ब्रिटिशर्स भी भारत के लोगों में खुद की ऐसी ही इमेज बिल्ड करना चाहते थे ताकि पूरे इंडिया में उनकी हेजेमनी बरकरार रहे। इसके अलावा दिल्ली स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्रूशल था। उस दौर में इंडिया के लिए सबसे बड़ा एक्सटर्नल थ्रेट जनरली नॉर्थ वेस्ट से ही था। महमूद गजनवी से लेकर तैमूर और अब्दाली तक सारे इन्वेडर्स नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड माउंटेन पासेस से ही इंडिया आए थे। ऐसे में अगर इंडिया को सिक्योर कर वहां पावर को कंसोलिडेट करना है तो उसके लिए दिल्ली एक क्रूशल लोकेशन थी जो नॉर्थ वेस्टर्न पासेस से नजदीक थी, जबकि सदर्न पेनिनसुला अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से घिरा था और वहां से एक्सटर्नल थ्रेट का खतरा कम था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कुछ ही देश थे जिनकी नेवीज तब इतनी पावरफुल हुआ करती थी। दोस्तों, एक और कारण यह दिया जाता है कि दिल्ली इंडिया के दो क्रूशल सिल्क रूट्स यानी दक्षिण पथ और उत्तर पथ के फीडर रूट्स और जंक्शंस के पास स्थित था। ये दोनों रूट्स सेंट्रल एशियन सिल्क रूट को इंडिया के ईस्टर्न और सदर्न रीजन से कनेक्ट करते थे। ऊपर से दिल्ली तो उत्तर पथ में ही लोकेटेड था और इसलिए हमेशा से एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर भी था। ऐसे में दिल्ली की कमर्शियल वैल्यू भी हिस्टोरिकल थी और इसलिए ब्रिटिशर्स के लिए यह शहर बेहद जरूरी था। तो दोस्तों, इन्हीं पॉसिबल कारणों के चलते 12 दिसंबर 1911 को अनाउंसमेंट हुआ कि दिल्ली ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बनेगी। अनाउंसमेंट होने के तीन दिन बाद किंग जॉर्ज द फिफ्थ और उनकी क्वीन क्वीन मैरी ने न्यू दिल्ली का फाउंडेशन स्टोन रखा और न्यू दिल्ली के मॉडर्न फॉर्म की शुरुआत हुई। लेकिन इसके बाद भी इस सिटी को बसने में टाइम लगा। न्यू दिल्ली को रायसीना हिल में 1.10 स्क्वायर माइल एरिया में कंस्ट्रक्ट किया जाना था। न्यू दिल्ली और उसकी बिल्डिंग्स को डिजाइन करने के लिए दो आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया था, एडवर्ड लचियंस और हर्बर्ट बेकर। आप जानते हैं कि इस दौरान वर्ल्ड वॉर वन की अटकलें लगाई जा रही थी जो 1914 में शुरू भी हो गया, इसलिए इस कैपिटल का कंस्ट्रक्शन मेनली वर्ल्ड वॉर वन के बाद ही शुरू हुआ और इसे कंप्लीट होने में 20 साल लगे। बिल्डिंग्स के अलावा गार्डनिंग और प्लांटेशन की प्लानिंग को AEP ग्रेसन ने लीड किया। आगे चलकर यह शहर लटियंस दिल्ली के नाम से जाना जाने लगा, जो आज भी फेमस है। फाइनली 10 फरवरी 1931 को इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन ने इसका इनॉग्रेशन किया और यहां से दिल्ली के इतिहास को एक नई दिशा मिली। इंडिपेंडेंस के बाद भी न्यू दिल्ली को ही इंडिया की कैपिटल बनाया गया, जिसके बाद इसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गया और आज ये शहर इंडिया की पहचान है।